मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 17 महीने पर एक बार फिर पाला पलट दिया। वे कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर फिर से बीजेपी के साथ चले गए। इंडिया ब्लॉक बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश अब एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दी है। पीके ने कहा, बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस नए गठबंधन से जेडीयू और नीतीश कुमार को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी को 2025 के विधानसभा चुनाव में इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। बीजेपी बिहार में अकेले लड़ती तो अधिक फायदे में रहती। पीके ने बीजेपी को भी पलटने वाली पार्टी करार दिया। इस घटना से बीजेपी को बड़े नुकसान होने की संभावना है। नीतीश पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं, वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए वो अपनी कुर्सी बचवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बीजेपी का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी बार बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को बिहार की जनता पर थोप रही है, इससे जनता में उनकी छवि को भारी नुकसान हुआ है। जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी समर्थकों के पास आज कोई जवाब नहीं है, वह लोगों के बीच क्या जवाब दें। पीके ने आगे दावा किया कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी के साथ आए हैं, उन्हें बीजेपी के नाम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में कुछ सीट मिल जाएंगी। महागठबंधन के साथ होते तो 5 सीट भी जीत पाना उनके लिए मुश्किल था। नीतीश को पता था कि वे इंडिया गठबंधन से लड़ते तो उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत पाती। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने रविवार को पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके कुछ ही घंटे बाद 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे ऐसा करने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, साथ ही वे अब सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स भी बने। नीतीश कुमार के अलावा बिहार के नए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित 6 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश के एनडीए में वापसी को इंडिया गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।